तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयरस रिजर्व ब्लॉग। तो गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, आज फिर से मैं दो बाइक लेके आया हूँ, R15 वर्जन 4 और CB यूनिकॉर्न। तो CC के मामले में वो 160 CC है और वो ये अपनी यमाहा R15 वर्जन 4 155 CC है। तो CC के मामले में सेम है और पावर के मामले की बात करें तो CB यूनिकॉर्न में 12.91 मतलब 13 के BHP पावर मिलती है, जो पावर जनरेट करते हैं 7500 RPM पे, और टॉर्क मिलता है 14 Nm टॉर्क मिलता है जो पावर जनरेट करता है 5500 RPM पे। और अपने R15 की बात करें तो 18.4 PS पावर मिलती है 10000 RPM पे जनरेट करती है, और टॉर्क की बात करें तो 14.2 Nm टॉर्क मिलता है जो 7500 RPM पे जनरेट करते हैं। तो पावर के मामले में थोड़ी ज़्यादा है R15, और टॉर्क के मामले में दोनों सेम है। तो टॉर्क इनिशियल में काम आता है, तो कौन सी तेज होने वाले हैं तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फटाफट से ड्रैग चालू करते हैं। और ये रहा अपना भाई जो अगली वीडियो में आया था, वही है, तो बढ़िया लॉन्चिंग करता है तो मेरे साथ पॉपअप कर पाएगा ये भी, और बाइक R15 के साथ यूनिकॉर्न पॉपअप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं वो देखते हैं। तो चलो जल्दी से देखते हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं खींचेंगे क्योंकि R15 का टॉप स्पीड ज़्यादा है और यूनिकॉर्न का थोड़ा कम। तो 120-130 तक जाएंगे, तो साथ में ये यूनिकॉर्न R15 के सामने पॉपअप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं वो देखते हैं, हेड टू हेड रहती है कि नहीं रहती है वो देखते हैं इनिशियल में। तो चलो पहले मैं आप लोगों का साउंड सुना देता हूँ, तो ये R15 का साउंड सुन लो पहले। स्टॉक एग्जॉस्ट है, अभी यूनिकॉर्न का साउंड सुन लो, यूनिकॉर्न का भी स्टॉक है। तो दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंट है, बाकी सेम जैसा आवाज लगता है दोनों स्टॉक है। तो अभी चलो ड्रैग रेस चालू करते हैं। तो अपनी बाइक में ले लेता हूँ पहले, तो चलो हमने पोजीशन ले ली है। ये रही यूनिकॉर्न, अपना भाई चला रहा है और R15 मैं चला रहा हूँ अपनी। तो देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहता है दोनों बाइकों का, यूनिकॉर्न हेड टू हेड कर पाते हैं कि नहीं, पॉपअप कर पाते हैं कि नहीं वो भी देख लेते हैं। यहाँ से गाइस मोड़ लेते हैं, और यूनिकॉर्न थोड़ी देर पॉपअप कर पाई लेकिन पावर ज़्यादा है R15 में तो आगे निकल जाते हैं। तो एक बार फिर से करके देख लेते हैं कि कितना पॉपअप कर पाती है, थोड़ी दूर कर लेते हैं बाइक ऑन लगाओ। Yeah.
रोलिंग बीजा गियर में हुई, बीजा गियर रोलिंग कर रहे हैं अभी दूसरा गियर में। दूसरा बीच की सीट तीसरा अभी तीसरे में कर रहे हैं, तीसरा पर 25 के लगाओ। से फिर से मोड़ लेते हैं, बाद में यूनिकॉर्न को थोड़ा मौका देते हैं, बाद में हम लॉन्च करेंगे तो कब तक पकड़ पाएगी अपनी बाइक वो देख लेते हैं। तो गाइस अभी यूनिकॉर्न को भेज देते हैं, हम 5 सेकंड बाद निकलेंगे, तो पहले आप चले जाओ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गाइस आखिर पकड़ ही लिया, रास्ता ख़त्म होने से पहले ही पकड़ लिया। तो मैंने 5 बोला था लेकिन मैंने 10 तक गिन लिया, तो यहाँ पे R15 ओजोन 4 विनर रहती है, क्योंकि प्राइस के मामले में बोले तो वो 80 से 90 हज़ार कम है R15 से, और परफॉर्मेंस R15 का तेज है। तो गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।